हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बेहद अच्छे से होंगे। मैं भी बेहद अच्छे से हूँ। ये है बर्थडे ब्लॉग, जो कि अन्नू के बच्चे का बर्थडे है उसका ब्लॉग है। काफ़ी पुराना ब्लॉग है ये, महीना भर हो गया है इस ब्लॉग को शूट किए हुए, लेकिन मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। आपको तो पता ही है, अगर मेरे पुराने ब्लॉग देख रहे हो तो, कि मैं अभी थोड़ा लेट चल रही हूँ ब्लॉग में। तो इनके घर पर रखी हुई थी सत्यनारायण भगवान की पूजा, रुद्र के बर्थडे पर इन्होंने रखी थी। और रुद्र यहाँ पर ग्रीन कुर्ता पहन के रेडी होके बैठा है एकदम। पूजा की तैयारी चल रही है, पंडित जी आ चुके हैं। मैं आम के पत्तों से तोरणवार बना रही हूँ। पूजा में किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं है, ओनली दो फैमिली बुलाई है अन्नू ने, एक तो हमारी फैमिली और एक पूनम की फैमिली, क्योंकि हम तीनों फ्रेंडों का ग्रुप बहुत, हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इसी वजह से। और ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं है, क्योंकि पूजा तो घर पंडित जी आए हैं और घर के मेम्बर ही करनी है, तो इसी वजह से। और शाम को फिर बच्चा पार्टी रखी है, रुद्र के जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ वो बर्थडे पार्टी अपना सेलिब्रेट करेंगे। तो वो शाम को एक अलग ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मैं ये वाला सिर्फ पूजा का ब्लॉग रखूंगी। यहाँ पर ओम श्री स्वास्तिक सब कुछ लिखा हुआ है, सब पूजा की तैयारी चल रही है। अन्नू साड़ी पहन के रेडी हो चुकी है और हम लोग भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं। पंडित जी सारी तैयारी कर रहे हैं, पूनम बैठी है यहाँ पे, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर अन्नू ने लाल कलर की नई चुनरी डाली हुई है, क्योंकि पूजा में बैठते हैं तो कहते हैं कि नई चुनरी लेकर बैठना चाहिए इसी वजह से। और पूनम हमारी फुल पंडिताइन बनी हुई, देखो एकदम पंडित जी की हेल्प कर रही है, प्रॉपर बता रही है कि कुछ चीज़ें पंडित जी को भी बता रही है पूनम की, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो पूनम को काफ़ी एक्सपीरियंस है। अरे मेरे कितनी जोर से मार, इधर मारो मेरे जोर से, बहुत जोर, बहुत कम और जोर से। दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वति प्रदेशः सन्तु मह्यं विष्णोरराटमसी विष्णु दुर्वसी विष्णवे त्वा अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता मरुतो देवता रुद्रा देवता यदित्या देवता बसवो देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता विश्वदेवा देवता वरुणो देवता ओम धौः शांति पृथ्वी शांति रापः शांति वनस्पतयः शांति रुखदयः शांति सामा रेधि शांति सर्वगुं शांति शांति रेधि शांति सुशांति सिनु सिनु इधर सिनु इधर श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः देवताभ्यां नमो नमः अस्तान देवताभ्यां नमो नमः सर्व देवताभ्यां नमो नमः सर्व देवेभ्यो नमो नमः सिद्धार्थम सिद्धार्थम पूजितो यासुरासुरेन सर्वविघ्नहरे तस्मै सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थ साधिके स्वर्णे तरम्बिके गौरी नारायणी अब पूजा होने के बाद ही उठना है भैया को, अन्नू के साथ परमानेंट फिर से पैक किया जाएगा, इसको साथ में रखना है ना। हाँ हाँ, और ये उनका चुंदरी में बांध दीजिए इसके बाद।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी जम्बु दीपे भारत खंडे भारत बसे आर्जा वर्ते दिशांतर गते महा मंगल्य प्रद मासोतमे और दीजिए ओ नहीं अब दूसरा दीजिए ये दीजिए एक बार पंचनामितम मयानितम पयदधिगतम मधु शर्करा समायुक्तम स्नातम प्रदेगतम पंचनामितम समर्पयामि बस छोड़ दीजिए फिर एक बार जाओ करके प्रणाम करें तब बोला कि हे प्रभु आपके रूप और गुण को तो ब्रह्मा आदि देवता कोई आज तक नहीं पहचान सकते तो मैं मूर्ख आदमी कैसे पहचान सकता खुश हो जाइए हे प्रभु अपने शक्ति अनुसार जरूर पूजन करना मुझे शरणागत की रक्षा करें इसमें डालते रहिए सभी की इच्छाओं को पूरा वही करते हैं कलयुग में विष्णु भगवान के रूप में धारण किए हुए हैं जो कि सत्यनारायण भगवान सनातन रूपी इच्छित सभी के इच्छाओं को पूरा वही करते हैं थोड़ा घी डालिए सब भैया एक जोश बना रहे हैं ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा श्रीमन महागणाधिपते नमः स्वाहा श्री लक्ष्मी नारायण अभ्यं नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्यं नमः स्वाहा मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा ओम पूर्णादरवी प्राप्ता सा पूर्णा प्राप्ता वस्नेनाम विकिणम युक्ति नमो नमः जज्ञेन जज्ञमजन्त देवस्थान धर्माणि प्रथमानि आसनम तेहनाकम महीमानः सचयन्त यत्र पूर्वे साद्रः शान्ति 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 वा बोलिए जय नारायण भगवान की घंटी कहाँ है घंटी आंखें साफ होगी अभी क्या बोला ओम जय जगदीश हरे।
मुझे नहीं पता। सो फ्रेंड्स, अनु के घर से आ गए हैं हम। पूजा पाठ संपन्न हो चुका है, अब हम आ गए हैं। अब हम जाएंगे रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हेलोवीन थीम रखा है उन्होंने पार्टी का, तो हम जा रहे हैं अभी रेडी होके। अभी रेडी नहीं हुए हैं, मैंने अभी वही कुर्ता उर्ता डाल रखा है। अब हमें पहनना है वेस्टर्न, तो हम पहनने वाले हैं वेस्टर्न। और आयुष, सीनु और सारे बच्चे नीचे थे और हम लोग ऊपर पूजा पाठ कर रहे थे, तो ये हमारा घर की ये हो गई है हालत। उसको हमें अभी पहले सही करना है, आयुष पहले सही करवाएगा, उसके बाद हम लोग रेडी होंगे। तो पूनम अभी निकल चुकी है अपने घर के लिए, अनु ऊपर थोड़ा बहुत अपना काम निपटा रही है, थोड़ी बहुत हमने हेल्प करी, बाकी अब कल करेंगे हेल्प क्योंकि टाइम नहीं बचा है, हमें फटाफट रेडी होना है। और उससे पहले मेरे को मिला है 10-15 मिनट का टाइम, जिसमें मैं मेरा घर सेट करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी डेकोरेशन करने के लिए, और डेकोरेशन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर हम रेडी होंगे।